दोस्तों आज से मैंने कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने पूछा था कि ऑडेसिटी क्लासेस आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं आप लोग कितने लोगों ने इसके ऊपर वोटिंग की है। और आज मैं यही देखते हुए एक ऐसी सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें हम ऑडेसिटी के बारे में पूरा सब कुछ जानने वाले हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि ऑडेसिटी हमारा वॉइस को अच्छा करने का एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि वॉइस को एडिट करने का एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही सिंपल इंटरफेस के साथ आता है। तो आज हम इसी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं बेसिक क्लास रखने वाला हूं और इस क्लास के अंदर हम जीरो से हीरो की तरफ को चलेंगे, यानी कि जीरो टू एडवांस सारी चीजें इसमें कवर करते हुए चलेंगे। किस तरीके से अपलोडिंग होती है, किस किस चीज की, किस किस इक्विपमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है, कम बजट में आप लोग किस तरह से अच्छी ऑडियो को अचीव कर सकते हैं आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। किस तरीके से सेटिंग रखनी है, कौन से इफेक्ट लगाने हैं, कौन से एक्सटर्नल इफेक्ट की आपको जरूरत पड़ने वाली है, वो मैं सब चीज आपको सिखाऊंगा यहां से। और कहां पर आपको मिलेंगे, कहां से डाउनलोड होंगे, उस चीज के बारे में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि मैंने वो पहले से ही जी ड्राइव में करके अपलोड कर रखे हैं और आप लोगों को मैं सिंपली उसका लिंक दे दूंगा और वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्साहो। दोस्तों आप देख ही सकते हैं कितनी ज्यादा गर्मी है, मैं बार बार अपने पसीने को यहाँ से साफ करता जा रहा हूँ। प्लीज इस मेहनत को देखते हुए आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के पास हमारे नोटिफिकेशन जरूर पहुंचते रहे। अच्छा, इसका एक कारण और भी है, वो पता है क्या? अगर मैं फैन ऑन करता हूं या फिर अपना कूलर ऑन करता हूं तो यहां पे नॉइज बहुत ज्यादा आती है और वॉइस के अंदर नॉइज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मैं आपको प्रॉपरली सब चीज इसमें सिखाने वाला हूं, सब चीज इसके अंदर बताने वाला हूं। तो प्लीज गर्मी को मत देखिएगा जितनी गर्मी हो रही है, लेकिन यह देखिएगा आपको सीखने क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते ही कि आप लोगों को किस तरह के माइक की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं बता देता हूं कि मेरे पास ये पहले से ही एक हेडफोन है जिसके अंदर इनबिल्ड है ये माइक। आपको ये आराम से 700 से 800 रुपए की अमेज़न पर भी मिल जाएगी और आप इसको ऑफलाइन भी बाय कर सकते हैं। मैं इसका लिंक, ये HP की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग हो रही है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इससे मिलते जुलते जितने भी हेडफोन हैं जिनके अंदर माइक होता है अच्छी क्वालिटी के, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी जा करके इसको बाय कर सकते हैं। दूसरी बात, इसकी वायर काफ़ी लंबी है लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि इसमें सिर्फ एक ही जैक आता है जो कि आप ये देख रहे हैं इसके अंदर, और ये जैक 3.5 mm का है। लेकिन जब हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हमें सुनना भी पड़ता है अपनी आवाज़ को और हमें बोलना भी पड़ता है, तो उस हिसाब से हमारे पास में एक इनपुट की होनी चाहिए लीड और एक हमारे पास में होनी चाहिए आउटपुट की, लेकिन आती है सिर्फ एक। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा ये खरीदना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर से सिर्फ एक लीड लगेगी और यहाँ से आप इनपुट भी ले सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। इस तरीके की आपको ये 25 से 30 रुपये की आराम से आपको किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर। तो यहां पर मैं सिंपली क्या करूंगा, इसके इस जैक को इसके अंदर मैं कर दूंगा प्लग इन कर लूंगा सिंपली, और ये प्लग इन हो गई है। अब जैसे ही मैंने प्लग इन करी, अब ये मेरी हो गई है दो लीड, मतलब कि एक इनपुट की और एक आउटपुट की। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और निकल कर आती है, दो तरह के लैपटॉप होते हैं अगर आप लोग लैपटॉप पर करते हैं, जिस तरीके से आज मैं अपनी रिकॉर्डिंग सिर्फ लैपटॉप पर ही करने वाला हूँ क्योंकि मैं डेस्कटॉप पर इसलिए नहीं करता क्योंकि वो नॉइज बहुत ज्यादा करता है, उसका फैन चलता है ग्राफिक कार्ड का और जितने भी उसके अंदर फैंस होते हैं तो बहुत ज्यादा नॉइज जनरेट करते हैं, तो इसलिए मैंने आज लैपटॉप के ऊपर काम करने के लिए बैठा हुआ। लेकिन यहाँ पर कारण क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए वीडियो में आप देख रहे होंगे यहां पर दो तरह की पिंस आपको दिखाई देती हैं, एक इनपुट की और एक आउटपुट की, लेकिन बहुत सारे लैपटॉप आज की तारीख में इस तरह के आ रहे हैं जिसमें एक ही इनपुट जैक दिखाई देता है, वो भी 3.5 mm का। तो उस लैपटॉप में आप सिंगल पिन लगाएंगे तो दोनों तरीके से काम करेगा, इनपुट भी और आउटपुट भी, लेकिन मेरा थोड़ा ओल्ड वर्जन है इसलिए इसमें दो जैक है और मैं दो जैक के लिए मैंने ये अलग से परचेस की थी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको खरीदना है तो आप वहां से जाकर के इसको खरीद सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको प्लग इन कर लेता हूं यहां पर, और दोस्तों ये भी HP की ब्रांड का ही है, मैंने दोनों ही चीजें ब्रांड के लिए रखी हैं। मेरा हेडफोन भी HP का है और ये लीड भी HP का है और ये मैंने HP के शोरूम से ही जाकर के लिया था ऑफलाइन। तो यहां से हम इसे प्लग इन कर लेते हैं,
इस तरह से। अब ये मेरे पास में दो हो गई हैं। अब मैं सिंपली इसको क्या करने वाला हूँ, एक हमारी जो ब्लैक वाली है ये कानों में सुनने के लिए वॉइस, और जो नीली वाली है या तो नीली होगी या फिर आपकी रेड होगी। दो तरीके की होती है, रेड होती है रिकॉर्डिंग के लिए, तो रिकॉर्डिंग के लिए तो रिकॉर्डिंग वाले में लगाएंगे, और सुनने के लिए सुनने वाले में लगाएंगे। तो सिंपली ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको प्लग इन कर रहा हूँ, आप देखिए मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। दोस्तों चूंकि ये कैमरा मेरे हाथों में है इसलिए ये थोड़ा स्टेबल नहीं है, हिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये पिन्स लग जाती हैं। और ये रहा मेरा लैपटॉप जो कि आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, और इसके पीछे है मेरा डेस्कटॉप, आप देख ही सकते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात और कर लेते हैं, अगर आप लोगों के पास बोया का माइक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने अपनी अक्सर बहुत सारी वीडियोस में दिखाया है आप लोगों को बोया का माइक, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में या यहाँ पर मैं दे दूंगा, आप उसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं, वॉइस क्वालिटी भी देख सकते हैं दोनों की, इस वाले माइक की भी और उस वाले माइक की। मैंने दोनों में डिफरेंस बताया है किस तरह की उसमें वॉइस आती है, तो यहाँ पर आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ से जा करके भी देख सकते हैं, फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर किसी के पास बोया का माइक है तो वो उससे भी कनेक्ट कर सकता है अपने लैपटॉप को या अपने डेस्कटॉप को। तो बोया के माइक के साथ भी बिल्कुल सेम प्रोसेस ही काम करेगा आपका ऑडासिटी, जिस तरीके से इस माइक के साथ करेगा, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सिंपली दोस्तों ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी बात दोस्तों ये तो थी हमारे माइक्स की बात, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, कौन सी विंडो में काम करेगा, किस तरह से। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख ही सकते हैं ये हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन सी विंडो है। यहाँ पर आप आएंगे पीसी पर, और यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे, और प्रॉपर्टी में आने के बाद ये पूरा डेटा दे देगा आपके कंप्यूटर का। अब ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो विंडो है 8.1 है, क्योंकि ये मेरा जो लैपटॉप है मैंने अभी बताया आपको बहुत पुराना सा है, 4GB इसकी रैम है, जो भी आपको प्रोसेसर इसमें देखना है वो सब चीज़ देख सकते हैं इसके अंदर, ये 2013 में बनाया गया था, वो सब चीज़ के अंदर है। 8.1 यहाँ पर विंडो है। अब मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपके पास भी 8.1 हो या 7 हो या आपके पास में XP हो या फिर आपके पास 10 हो, सभी में एक जैसा ही काम करता है। अब यहाँ पर सिंपली देखिए आप देखेंगे यहाँ पर एक आइकन दिखाई दे रहा होगा आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑडासिटी ओपन हो जाएगा। ये ऑडासिटी मेरा ओल्ड वर्जन है, मैं यहाँ पर आपको ओल्ड वर्जन इसके बारे में दिखा भी देता हूँ, ये देखिए 2.1.2। दोस्तों ये काफ़ी ओल्ड वर्जन है, आज की तारीख में मेरे ख्याल से 3.13 कुछ चल रहा है। तो आप चाहे नया लीजिए चाहे पुराना लीजिए, सेम ही वर्क करता है, सेम ही इफेक्ट है, सारे इफेक्ट के नाम भी सेम है, सारा इंटरफेस भी सेम है, जो मैं प्लगइन्स ऐड करवाऊंगा आपसे वो भी बिल्कुल सेम वैसे ही वर्क करेंगे और वैसे ही इंस्टॉल होंगे जिस तरीके से ये होने वाले हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरीके से आप कौन सा माइक ले सकते हैं, किस तरीके से अटैच करना है, कौन कौन से प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है माइक से रिलेटेड, मतलब फिजिकल बॉडी में, और फिर बात की मैंने किस तरीके से लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप कौन से वर्जन से क्या कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कोई भी आपकी परेशानी है तो वो कॉमेंट में आप मुझसे बता सकते हैं, पर्सनली इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑडासिटी के लेटेस्ट वर्जन को हम किस तरह से और कहां से डाउनलोड करेंगे, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी, और बाद में हम उसमें रिकॉर्डिंग करके देखेंगे, इफेक्ट लगाकर देखेंगे, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इस सीरीज में मैंने तकरीबन 4 से 5 वीडियो सोची हैं कि मैं रखूंगा, फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम इसमें रह जाती है तब मैं एक या उससे आगे की वीडियो और बना दूंगा। दोस्तों ये सीरीज सिंगर्स के लिए भी होने वाली है, उनके लिए मैं प्लगइन्स बताऊंगा किस तरीके से आपको कैराओके पर गाना भी है, तो टोटली इसके अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों आपको बस इतना करना है कि जितने भी आपके दोस्त हैं जो ऑडासिटी सीखने वाले हैं या सीखना चाहते हैं उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आपके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखिए ये देखिए बूंद, ये देख रहे हैं आप बूंद, ये बूंद पानी की नहीं है, ये पसीने की बूंद है। दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे किस तरह से हम ऑडासिटी का नेट, दोस्तों इससे ऐसा रोक लेते। आपको एक बात बताऊं, ये जो आप टी शर्ट देख रहे हैं ना ये ब्राउन कलर की थी, और ये आपको जो ब्लैक सी दिखाई दे रही है पसीने की वजह से, पूरी टी शर्ट मेरी गीली हो चुकी है और ये बार बार पसीना, और आप इसको निचोड़ कर देखेंगे तो बहुत सारा पानी निकलने वाला है, मतलब पसीना निकलने वाला है, क्योंकि
ये पूरी तरह से गीला हो चुका है मेरा रुमाल। तो अगर मैं देखिए मैं इस तरह से बार बार इसको साफ कर रहा हूँ गर्दन को, क्योंकि यहाँ बार बार पसीना आ रहा है। एक टेक लेने में कम से कम मुझे 5 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार इसको इस तरीके से पसीने को साफ़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ी वीडियो अच्छी लग सके, मेरा फेस ठीक से आ सके। तो मेरी मेहनत को देखते हुए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो यार। सारे टेक्निकल भाई जिनके वीडियो से होगी कितनी तरक्की इनके पास, नाम हमारा टेक्निकल नॉलेज का संचार, साथ लेके आए अगर यूट्यूब पे हमारा प्यार, टेक्निकल सा हो, टेक्निकल सा हो, सबको सिखाए यूट्यूब पे टेक्निकल सा हो, हर सवाल का जवाब ये टेक्निकल गुरु, टेक्निकल सा हो, टेक्निकल सा हो।